हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम मास्टर मिनट होकर। भाई फाइनली खुशी की खबर तो हमें मिल ही गई। जो जो 5G यूजर्स है, मतलब एसूस के जो 5G यूजर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे पाई 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 का, तो भाई यहाँ पर पाई आ गया। ये वॉलपेपर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, क्या पता लाइव वॉलपेपर आपको बना रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, तो फाइनली हमें पाई का अपडेट मिल गया। गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना क्वालिटी को, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है बिकॉज हमें आज वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन सोचा पाई के ऊपर है तो अपने से कई यूजर्स वेट कर रहे होंगे तो बना ही देते हैं। और सबसे मेन बात मुझे बताना है कि ये ऑफिशियल अपडेट है, आप एसुस के ऑफिशियल पेज में से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी का मैं प्रोसेस बताने वाला था फर्दर, थैंक यू काटने के लिए रोहन। और आप कर सकते हो, सिंपली प्रोसेस है इसका काफी। आप इनके ऑफिशियल वेब पेज में जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर घुसो, वहां पर एसुस सिलेक्ट करो। वहां पर आपको बेसिकली सबसे टॉप वाला रहेगा डाउनलोड, सबसे टॉप वाला जो, या तो आप शॉर्टकट कर सकते हो डायरेक्ट लिंक एसुस ज़ेनफोन 5G अपडेट बोल के, तो वो डायरेक्ट आपको लिंक ले जाएगा। हम नीचे लिंक फिर भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। अब वहां पर क्लिक करके आप सिंपली उस अपडेट को डाउनलोड कर दो, जो कि अराउंड 1.5-1.6 GB के आसपास समथिंग है। उसको आप सिंपली डाउनलोड करके अपने फोन के इंटरनल मेमोरी पे, ध्यान रखना फोन के एसडी कार्ड में मत डालना क्योंकि रिबूट होते हो, क्या पता बाई डिटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, डिटेक्ट ना करे वो, तो फोन के इंटरनल मेमोरी पे उसको जाके सिंपली पेस्ट कर देना, किसी फोल्डर पे मत डालना, इंटरनल मेमोरी सिंपली पेस्ट करके फोन को एक बार आप सिंपली रिबूट कर देना। जैसे कि प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, रिबूट होने के बाद आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कहां पर हमें अपडेट आया है, क्या आया है। और एज सुन एज आपको अपडेट डिटेक्ट कर दे, रिबूट होने के बाद जैसे आप रिबूट करो, रिबूट करने के बाद आपको डिटेक्ट हो जाएगा, सिंपली आपको उस पर कुछ नहीं करना, क्लिक करना है रिस्टार्ट। हाँ, क्लिक करने पे आपका फोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट पे लेके चला जाएगा और आपका अपडेट इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जो रोहन है आप सभी जानते हो 5G फिलहाल ये करंट यूज कर रहा है, तो कुछ जो चीजें है अपडेट में जो इसने कुछ नोटिस किया है, क्या नोटिस नहीं किया है, कैमरा कितना इंप्रूव हुआ है, एक फोटो एक सैंपल हम आफ्टर बिफोर भी डाल देंगे। अगर इनके फोन इसके फोन में कोई हमें प्रीवियस पे फोटोज दिख गया तो उसका एक आफ्टर भी हम लोग ऐसे जस्ट डाल के देखेंगे, शायद कुछ डिफरेंस हो, एक आध फोटो सैंपल पूरा प्रॉपर नहीं। और बाकी अब रोहन शुरुआत करेंगे, क्या उनको अपडेट दिखा क्या नहीं। पहला फीचर मैं बताऊंगा इसके एनिमेशन, एंड्रॉइड पाई के एनिमेशन बहुत मस्त है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख ही रहे रहेंगे किस तरह से वो एंड्रॉइड पाई का जो एनिमेशन है, और एनिमेशन उसका बहुत मस्त है। और इसमें परफॉर्मेंस में एक्चुअली गाइस मैंने भी नोटिस किया, कल मैं फोन को अपडेट करने के लिए यूज कर रहा था, बहुत मोर ज्यादा स्नैपी लग रहा था, इस लाइक कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे काफी स्मूथ हो चुके इसके टेक्सचर, मतलब जो एनिमेशन काइंड ऑफ जो है वो आपको काफी स्मूथ दिख रहे हैं। और फीचर्स में वही है, और मेरे को और एक बात बताने सब बग, एक छोटा सा बग्स नहीं कह सकते, एक छोटा सा बोल सकते हैं कि ये, मतलब देखो बग्स तो वो होता है जो करे ना बराबर काम, तो आपको क्या मतलब एक प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लमेटिक दिखा, फिंगरप्रिंट थोड़ा स्लो हो गया, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो थोड़ा सा आपको डिले कर रहा है, पर खुल जाता है वो। मैंने ट्राई किया है 10 out of 10 बार ही वो खुला है, तो थिंग इज कि वो थोड़ा सा डिले करता है खुलने में। बाकी भाई गाइस अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिस तरह से आपको होम स्क्रीन आपको दिख रहा रहेगा, आप सिंपली बीच का दबा के आप डायरेक्टली मल्टीटास्किंग में जा सकते हो, काफी ये इजी किया है। और नीचे से आप इसको कुछ इस तरह से आप अपने फोन को बीच का जो मल्टीटास्किंग है उसको इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो आप बाजू के, मतलब दूसरे एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग पे, ये इन शॉर्ट वो क्विक स्विच का फीचर्स है। और गाइस और भी कई सारे फीचर्स है जो हम आपको आने वाले अभी धीरे धीरे अपडेट में मतलब बताएंगे। देखो हमने तो पूरा छानबीन कर दिया, कुछ ऐसा इसमें फर्क हमें पता नहीं चला है, हालांकि एनिमेशन चेंज हुआ, सिक्योरिटी पैच जो है वो थोड़ा नया आया है, और थोड़े बहुत एनिमेशन में हमें प्रोवाइड मिला है, बाकी फोन में वही है गेस्चर, वही है प्रोसेसर, वही है आइकॉन्स थोड़े चेंज हुए, और थोड़ा कैमरा थोड़ा शार्प हुआ है। सो या प्रीटी मच दैट, और बस इतना ही था आज का वीडियो का, इसी छोटा सा अपडेट आपको बताने के लिए कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे और एक बात बताना है कि जो पाई का जो अपडेट है एसुस का, वो अपडेट ऑफिशियल पेज पे आ गया है। अगर आपको ऑफिशियल पेज से डाउनलोड नहीं करना है तो सिस्टम अपडेट में जो चेक करके दिखाना है, तो आपको कम से कम एक हफ्ता है तो मैक्सिमम एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, या तो उसके बाद में मिल जाएगा, उसके बाद शायद आपको एरिया वाइज एसुस वाले रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल ताइवान में रोल आउट किया, ताइवान वाला है, ये ताइवान वाला है, तो हमें इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है, वहां से कुछ लोग को शायद ही थोड़े मोटे छोटे मोटे या नहीं भी करके वही हमें नहीं प्रोवाइड, ताइवान वाले रूम में और कोई इशू नहीं है। हाँ, पर एक बात बताना, फोन को आप 100% चार्ज करके इंस्टॉल करना, क्योंकि
बैटरी बहुत ड्रॉप होगा इंस्टॉलेशन के टाइम में। क्योंकि गाइस ये 1.6 जीबी का समझ सकते हो, पूरा फोन का सिस्टम चेंज होने वाला, तो अराउंड आपको 15-20% कहीं नहीं गए, ड्रॉप होना ही है। उसके बाद भी वीडियो में भी नोटिस करना बैटरी परसेंटेज जो हम लोग डालने वाले, वो तो अभी आप जैसे आप अभी देख ही रहेंगे कि ये इस तरह से कुछ बैटरी परसेंटेज आपको ड्रॉप देख रहा है। चलो ऐसा सबसे मेन चीज का बैटरी इम्प्रूव हुआ है। ओके हाँ, ये चीज मैंने भी नोटिस किया, इसका बैटरी थोड़ा नहीं काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। अभी मेरे फोन में आप देख सकते हैं 57% है, मैं हैवी यूजर हूँ। ये 50% है और ये काफी ज्यादा हैवी यूजर है, आप यकीन नहीं मानोगे अच्छे अच्छे फोन की पुंगी बजा सकता है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपको देखना है मतलब कितना आपको फर्क आ रहा, तो हम एक इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट बना सकते हैं। लास्ट हमारा जो था वो 2 hours 40 minutes का था, आई गेस 40 something का था, इस बार तो 3 hours कंप्लीट कर सकते हैं शायद। हम कमिटमेंट कुछ नहीं कर सकते, बट आप अगर बोलो तो हम आपके लिए बना देंगे। उसके लिए आपको सिंपली नीचे कमेंट में जाना है, एकदम फ्री है भाई साहब, कमेंट कीजिए और बताइए हमें। और भाई आप में से काफी सारे लोग तो क्या तारीफ करते हो यार, ऐसा दिल खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, ह्यूमन वाला फीलिंग आने लगती है मुझे। और हाँ, और बैटरी जो स्टैंड बाय में ड्रॉप होता था इसमें, वो इशू पूरा चल दिया है। मतलब मैं भी खुद फेस करता था, जैसे रात को मैं मतलब मेरा फोन में अगर 75 रहेगा तो सुबह तक 70 हो जाता, 5% का मेरे को ड्रॉप का दिखता था। अभी इसमें मेरे को वो इशू दिख रहा नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। एक्चुअली गाइस ये बात फैक्ट है, मैं 51% हम लोग ने पहले रात को जब हम लोग एक्चुअली रात में शूट किए थे, फोन हमने रखा और उसके नेक्स्ट डे पे जब हम लोग उठ के देखे तभी 51% था डेटा ऑन था फोन का, कुछ डेटा इंटरनेट वाईफाई। मैं फ्लैश यूज किया था, मैं किधर गया था तो थोड़ा सा फ्लैश भी ऐसा नहीं कि बहुत देर के लिए, थोड़ा बहुत बस। चलो बस मिलता है अगले वीडियो में, 7 मिनट का हो चुका है भाई, अगले वीडियो में मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा, शुभ रात्रि, शुभ दिन, सो जाओ खा पी के, हैप्पी न्यू ईयर अभी आने वाला है, न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं अभी 2 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे, अभी फिलहाल मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा, 2-3 दिन तो वीडियो बनेगा नहीं, 2 दिन बाद हम पक्का वीडियो बनाएंगे। चलो मिलते हैं, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, हैप्पी न्यू ईयर वन सेकंड, बाय बाय।